बलोच आएंगे, एक तो यह है कि उजैर बलोच ईरानी पासपोर्ट पे थे, ईरानी नेशनल थे, ईरानी नेशनल हो गए थे। आप पूछेंगे उजैर बलोच ईरानी नेशनल क्यों हो गए थे, मैं आज बड़ी खुल के बात करने के मूड में हूँ। उजैर बलोच काम कर रहे थे ईरानी इंटेलिजेंस के लिए, मेरी इतला के मुताबिक ईरानी इंटेलिजेंस के लिए वो काम कर रहे थे, और ईरान ने उसके, हमारा पड़ोसी बरादर मुल्क है लेकिन बहरहाल चलते हैं इस तरह के मामला, जो मुश्तक इतलात है मैं वो बता रहा हूँ। ईरानी पासपोर्ट पे थे, मस्कत जा रहे थे और उसके बाद वो मस्कत से निकले, आगे निकले, उधर से निकले और दुबई के उस पर पकड़े गए। उसके बाद ये हुआ कि यूएई की गवर्नमेंट ने से ईरान ने कहा कि उजैर बलोच हमारे मुलजिम ने हमारे यानी हमारे शहरी हमारे हवाले किया जाए, पाकिस्तान ने कहा कि हमें दिया जाए। यानी इस हद तक मामला आज मैं खुल के बता रहा हूँ कि क्या हुआ, मतलब जो मुश्तक इतलात है गलत भी हो सकती है। उजैर बलोच में दो मुल्कों में बाकायदा हुआ कि वो ईरान कह रहे हमारे हैं, पासपोर्ट होल्डर हैं क्योंकि पासपोर्ट ईरान का था जी। अच्छा, अब उजैर बलोच जनाब बड़ी हाईएस्ट लेवल पे रियासतों में, फिर बात हुई जो हाईएस्ट लेवल्स होते हैं, यानी नवाज शरीफ तो जूनियर लेवल है ना, जो रियासत बात करती है, जब जहां जरदारी साहब होते हैं रियासत बात करती है रियासत के साथ, दूसरी रियासत के साथ कि ये बंदा। फिर उसके बाद उजैर बलोच, क्योंकि उजैर बलोच का था कि ईरान इन्वॉल्व हो गया, ईरान का यानी आपने उसको दिया है पासपोर्ट दिया हुआ है तो किस उस पर दिया हुआ। उसके बाद जनाब उजैर बलोच जो है वो आ गए, और उजैर बलोच आखिरी कार्ड है ये खेल, ये हाउस ऑफ कार्ड जो है ना, ये भी ताश के पत्ते गिरेंगे तो उसमें उजैर बलोच निकलेंगे। उजैर बलोच ये बताएंगे।